तो ये हमने देखा कि जिंदा रहने का मतलब है आहार, निद्रा, भय और प्रजनन हो रहा है। उस क्रम में हम पांच इंद्रियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी कल्पनाशीलता, कर्म सुंदरता को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी पहचान के लिए हम रूप, बल, धन और पद के रूप में उपलब्धियों को पाने की कोशिश कर रहे हैं। इन अस्थाई चीजों से हम स्थायित्व के प्रयास में हैं और भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता। अभी जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं उसमें भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, उपलब्धियों के साथ साथ ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है। यदि ये बढ़ता है इन जनरल, तो इसका मतलब जिंदगी की कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में है। ठीक है, तो कारों के साइज बढ़ गए, मकान के साइज बढ़ गए, टर्नओवर बढ़ गए, पद बढ़ गए, लेकिन जिंदगी लॉस में है, इसका मतलब कहीं तो लोचा है, उस लोचे को पकड़ने की जरूरत है। तो मैं दूसरी तरफ चलता हूं, तो फिर जीना किसके साथ होता है, तो जीना किसके साथ नहीं होता है, इसकी चर्चा हमने ब्रेक के पहले की थी। किसके साथ जीना नहीं होता है? भय के साथ, गरीबी के साथ, अपमान के साथ, तो तमाम नेगेटिविटी के साथ, किसी भी नेगेटिव स्थिति के साथ में जीना नहीं होता है, है ना। जीना तो पॉजिटिव के साथ होता है। तो उसको एक नाम दिया, बहुत सारे नाम देने की बजाय उसको एक नाम दिया, स्वयं के प्रति विश्वास। स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है, यदि स्वयं के प्रति विश्वास होगा तो मैं समाधान के साथ हूं कि मैं समस्याओं के साथ हूं। तो स्वयं के प्रति विश्वास को समझने के लिए ये दो भाग में इसको कह लीजिए। देखिए, बोलते समय हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऐसा बोलते हैं। और क्या करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है? तो हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं लेकिन उन शब्दों के एड्रेस नहीं है, तो सारी जिंदगी शब्द यूज करते हैं पर उसकी रियलिटी जिंदगी में साकार बहुत नहीं हो पा रही है या कम हो पा रही। तो मैं दो प्रकार की चीजों को बोलूंगा। एक प्रकार की चीज वो है जिसको हम स्किल बोलेंगे, कौशल। दूसरी चीज वो है जिसको क्या बोलूं, समझण बोल दूं। हिंदी में मैं वो लिखूंगा तो उसको समाधान कहूंगा। समाधान का मतलब है पेरिनियल सॉल्यूशन। देखिए, ये बात ठीक है, प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ये कहा, इसको कैसे समझें? इसको ऐसा समझें कि पूरा एग्जिस्टेंस किसी नियम से है, पूरा एग्जिस्टेंस किसी नियम से है। मैं नियम को समझूं तो ठीक, नहीं समझूं तो ठीक, जानूं तो ठीक, नहीं जानूं तो ठीक, मानूं तो ठीक, नहीं मानूं तो ठीक, इससे नियम पे कोई फर्क पड़ता है? नियम बदल जाता है ना। मेरे को पता है कि नहीं पता है मून धरती के चारों तरफ घूमता ही है? मेरे को पता है कि नहीं पता है धरती गोल है? मैं चपटी बोलता रहूं, इससे धरती को कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना। तो ये पूरी सृष्टि, ये पूरी कायनात अपने किसी नियम के साथ है। मैं समझूं या नहीं समझूं, हार्ट अपना काम करता है, किडनी अपना काम करता है, खाना खाने के बाद खाना पचता है, शरीर का साइज बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, हेल्थ बढ़ती है, मैं कुछ भी समझूं या नहीं समझूं। तो इसका मतलब है कि ये सृष्टि किसी नियम से काम कर रही है, उस नियम की समझ होने का नाम समाधान है। तो अपन कहां ले गए इसको? अपन ये कह रहे हैं कि यदि पूरी सृष्टि किसी नियम से संचालित है, वो नियम ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। पूरी सृष्टि में मानव का होना भी हिंदू मुस्लिम सिख, आदमी गुफा में था तो हिंदू था कि मुस्लिम था, है ना। तो आप पाएंगे कि वो तो मानव ही था, ये ठप्पाकरण बाद में हुआ। जब ऐसे हम सारा देखते हैं तो ये बात समझ में आई कि यदि बहुत एक निरपेक्ष दृष्टि से देखें, थोड़ा सा पीछे खड़े होकर देखें, तो पूरी सृष्टि किसी नियम से है। उस नियम में मानव का इस सृष्टि पे होना भी, मानव का इस धरती पे इवॉल्व होना भी किसी नियम से है। इस शरीर के होने में मानव का कोई योगदान नहीं है ना, इस जीवन में सोचने समझने की क्षमता का होने में भी मानव का कोई योगदान नहीं, धरती पे मानव के होने में भी मानव का कोई योगदान नहीं।
ये जो मानव का होना है ना, फिर उसके सुखी दुखी होने का भी कोई नियम है। अब ये कह रहे हैं, अगले 8 दिन में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि जिस तरह से यूनिवर्सल लॉज हैं, तो मानव के सुखी होने का भी कोई यूनिवर्सल लॉ है, वो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए एक जैसा है, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे वो जो प्रकृति के नियम हैं, वो जो नेचर के नियम हैं, चाहे वो मानव के बारे हैं, चाहे वो सृष्टि के बारे हैं, उस नियम को पहचान लेने का नाम समाधान है, समझ है। उस लेवल से हम ऐसे आते हैं। तो धीरे धीरे हम अपने जो भी हमारी डिक्शनरी है और उनकी जो समझ है, धीरे धीरे उसको देखेंगे। लेकिन मैं अभी ये कह रहा हूं कि ये दो तरह की चीजें हैं। कौशल में क्या आ गया? कौशल का मतलब है मुझको अपनी बात हिंदी में कहने का बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं अपनी बात को हिंदी में ठीक से कह सकता हूँ। किसी को लगता है कि मैं अपनी बात को गुजराती में ठीक से कह सकता हूँ, तो हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा मुझको आती है, इंग्लिश आती है, गुजराती आती है, मुझको कार भी चलानी आती है, मुझको खाना भी बनाना आता है, और किसी को प्रॉब्लम आ जाए तो मैं उसका ऑपरेशन भी कर देता हूँ डॉक्टर, एज ए डॉक्टर। तो जितने भी हमारे इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो भी आर्किटेक्चर, जितने भी सारे खेती करना आता है, ये सब किस में आ जाएगा? तो हमारी अभी की एजुकेशन के सारे कोर्सेज किस में आ जाएंगे? ये सब कौशल है। और एमए साइकोलॉजी किस में आएगा? और एमए सोशियोलॉजी किस में आएगा? अभी हमारे ह्यूमैनिटी के कोर्स भी स्किल हैं, उसको करके नौकरी मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज वो किसी काम का है नहीं। ये बात ठीक है? इस बात से सहमति है? एमए साइकोलॉजी करके उसका मन ठीक हो गया, उसको अपना मन समझ में आ गया एमए साइकोलॉजी करके, और अब उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है ना, अब उसके भीतर लो फील नहीं होता है, ईगो नहीं होता है, और वो हमेशा खुश रहता है, तो मैं मानूं कि एमए साइकोलॉजी फिर मैं उधर रखूंगा। यदि एमए साइकोलॉजी करके मेरे को 20,000 की जॉब मिल जाती है, तो ये कौशल है, ये समझ नहीं है। तो वर्तमान के हमारे एमए साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और तमाम ये कोर्सेज जिंदगी में कोई काम नहीं आ रहे हैं, एक नौकरी के पाने के काम जरूर आ सकते हैं, है ना। तो कुल मिला के आश्वासन देने के काम जरूर आते हैं। तो मेरे को एक तरह का कॉन्फिडेंस है, तो मेरे को कार चलाना आता है, ये भी एक कॉन्फिडेंस है। फिर इधर वाला कैसा आएगा, इसको कैसे पहचानूंगा? कार चलाने के प्रति कॉन्फिडेंस कैसे आया? कार को सीखने से आया, कार का नियम समझने से आया। स्वयं के प्रति विश्वास कैसे आएगा? तो कार चलाने के प्रति विश्वास, कार चलाने के प्रति विश्वास है कि स्वयं के प्रति विश्वास है? तो कार चलाना आ गया तो कार चलाने के प्रति विश्वास है, स्वयं को चलाना आ गया तो स्वयं के प्रति विश्वास है। ये बात पहुंची? नहीं पहुंची। कार चलाना आ गया, कंप्यूटर चलाना आ गया, मोबाइल चलाना आ गया, तो मोबाइल चलाने के प्रति विश्वास है, ये विश्वास है तो मुझ में ही, लेकिन मोबाइल चलाने के प्रति है, कार चलाने के प्रति है, खाना बनाने के प्रति है। तो मोबाइल चलाना आ गया, कार चलाना आ गया, तो कार चलाने के प्रति विश्वास। और स्वयं के प्रति विश्वास कब आएगा? जब मैं स्वयं को चला सकूं। स्वयं को चलाने का क्या मतलब है? जैसे कि मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं सडनली गुस्सा करती हूँ, तो ये मेरा कंट्रोल नहीं है अपने पर। हाँ। और तो मेरे को गाड़ी चलाना तो आता है, खुद को चलाना नहीं आता। हाँ, खुद को चलाना नहीं आता, ऐसा मैं कह सकती हूँ। हाँ। लेकिन गुस्सा आता है, लेकिन मैं कंट्रोल कर लेती हूँ और मैं उसको दिखाती नहीं हूँ, दिखावा नहीं करती हूँ। और हाँ। मेरी एक समझ है कि इसमें गुस्से से काम नहीं चलेगा। वो इतना ही हुआ कि मैं एक्सीडेंट मार के आ गया, किसी ने देखा नहीं, एक्सीडेंट तो हो ही गया। हाँ, एक आदमी मर ही गया है, और मर के वो ऊपर चला गया, अब चिल्लाए कौन? तो गुस्सा आया है मतलब मैं खुद को चला नहीं पा रहा हूं, मैं खुद को हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। तो ये भूतकाल की पीड़ा, ये वर्तमान से विरोध, ये भविष्य की चिंता, ये फ्यूचर को लेके वरीज, अपना लो कॉन्फिडेंस, दूसरों से कंपेरिजन, अपने आप को छोटा महसूस करना, दूसरों के आगे निकलने से घबराहट पैदा होना, है ना,
किसी को जाति के आधार पे बड़ा मानना, किसी को हाइट के आधार पे बड़ा मानना, किसी को रूप और रंग के आधार पे बड़ा मानना, कभी अपने आप को बड़ा मानना, कभी किसी दूसरे को छोटा मानना, ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये जो लगातार मेरे भीतर ये भूचाल चलते रहता है ना, ये मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब मेरे को सेल्फ ड्राइविंग नहीं आती है। बोल तो आप रहे थे सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब सेल्फ समझ में आए तो सेल्फ समझ में आए तब तो सेल्फ पकड़ में आया नहीं, सेल्फ पकड़ में नहीं आया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही पकड़ में नहीं आया। तो सेल्फ का मतलब है मी आई। तो मैं किसी परिस्थिति में, एक ही परिस्थिति में एक आदमी सुसाइड कर लेता है, उसी परिस्थिति में दूसरा आदमी हंस के निकल जाता है, ऐसा हम होते हुए देखते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी घटना को वहन करने का, किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने की आपकी ताकत किसी भी परिस्थिति में है ना, वो जो स्वयं की हैंडलिंग है, तो मैं उसको नाम दे देता हूं आपके भाव और विचार की दुनिया। आपके भाव और आपके विचार की दुनिया। तो यदि मेरे विचारों में कंफ्लिक्ट है, अंतर विरोध है, विचारों में अंतर विरोध है, भाव की जगह में अभाव है, तो मैं दूसरों की वजह से दुखी होता हूं, मैं दूसरों की वजह से दुखी होता हूं, या दूसरा मेरे विचार और भाव को नेगेटिवली प्रभावित कर देता है, मेरा भाव नेगेटिवली प्रभावित हो गया है इसलिए मैं दुखी हो गया हूं, क्या लगता है? दूसरा मेरे को डायरेक्टली दुखी कर देता है या दूसरा मेरे भाव और विचार को नेगेटिवली प्रभावित कर देता है? मैं जब भी दुखी या सुखी होता हूं, मेरे भाव और विचार की स्थिति की वजह से दुखी होता हूं। जब भी मेरा भाव और विचार पॉजिटिव है तो मुझको अच्छा लगता है, जब भी मेरा भाव और विचार नेगेटिव है तो मुझको खराब लगता है। तो मेरे सुखी दुखी होने का कारण मेरे भाव और विचार का प्रभावित हो जाना है, नेगेटिवली प्रभावित हो जाना है। तो मेरे भाव और विचार का नेगेटिवली प्रभावित हो जाना विश्वास में कमी है, स्वयं के प्रति विश्वास में कमी है। क्योंकि एक ही तरह की घटना से सभी लोग एक समान प्रभावित होते हैं कि अलग अलग प्रभावित होते हैं? अलग अलग प्रभावित होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसमें विश्वास में कमी है, जिसके अंदर विश्वास की कमी है, वो किसी घटना से ज्यादा प्रभावित होता है नेगेटिवली। यदि उसके विश्वास में कमी नहीं है तो वो उस घटना से उस तरह से प्रभावित नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि विश्वास में कमी है तो मैं दुखी होता हूं, परेशान होता हूं, फिर चाहे भयभीत होता हूं कि डरता हूं कि कंपैरिजन करता हूं कि घबराहट होती है, अपने आप को छोटा महसूस करता हूं, है ना, तब ये कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा होती है। तो एक बात पता चली कि गाड़ी चलाने के प्रति तो मेरे को पूरा अधिकार है, तो गाड़ी चलाना मुझको आता है पर खुद को चलाना नहीं आता है, ये बात माची। तो जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो जितना हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, जितना हमारा उसी को स्टेबिलिटी बोल रहे हैं, तो जितना हमारा समझ होगा, समझण होगा, उतना हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, जितना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उतना हम दूसरे से कम प्रभावित होंगे या नहीं प्रभावित होंगे। तो इसका सूत्र है, एक बार सूत्र लिख लीजिए फिर अपन उस पर बात करेंगे। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही स्वयं की योग्यता है। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना ही मेरी अयोग्यता है। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित, दूसरे ने अयोग्यता किया ये उसकी कमी, दूसरे ने कोई ऐसा व्यवहार किया जो उसको नहीं करने का था ये उसकी कमी, मैं उससे प्रभावित हुआ ये मेरी कमी। ये पहुंचा? नहीं तो हमेशा मेरा रिमोट मेरे हाथ में रहेगा कि दूसरे के हाथ में रहेगा?
मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो कि दूसरे के हाथ में हो? मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो, इसका मतलब है तुम्हारी स्थिति तुम्हारे साथ। मुझको प्रभावित होना है कि नहीं प्रभावित होना है, ये मेरा निर्णय है। जितना मैं उस स्थिति को पा जाता हूँ, जितना मुझ में स्वयं में विश्वास आ जाता है, भाई सास जैसी है वैसी है, पिता जैसे हैं वैसे हैं, दोस्त जैसे हैं वैसे हैं, अब पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी तो ही मैं सुखी होऊंगा, क्या ये संभव है? पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी तो ही मैं सुखी होऊंगा और ये दुनिया अभी मेरे रहने के लायक नहीं है और मैं चला, तो सारे लोग पंखे का सदुपयोग कर लेंगे। तो इसका मतलब है लोग जैसे हैं वैसे रहेंगे, वो रातों रात बदलने वाले नहीं है। लेकिन मेरी स्थिति ये हो सकती है ना, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकता हूँ कि मैं दूसरे की बेवकूफियों से प्रभावित ना हो, ये मेरे हाथ में है। मैं खुद को चला पा रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं खुद को परिस्थितियों में सिर्फ कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेट स्थिति ये है। तो एक सुंदर परिभाषा है क्षमा की, वो फिर अल्टीमेट स्थिति है, अप्रभावित रहना ही क्षमा है। ये फिर फाइनल स्थिति है। फाइनल स्थिति यह है कि आप प्रभावित ही, यदि मैं प्रभावित होता हूं तो किन्हीं ना किन्हीं अंशों में अंदर रिएक्शन होता है, मैं बाहर शो नहीं करता हूं, अंदर में लो फील करता हूं, 3 दिन उसको नॉर्मल होने में लगता है ना, पर किसी को पता नहीं चला, तो मैंने किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया और कोई बड़ी गलती नहीं की, पर मेरे को उसको हैंडल करने में समय लगा, ये स्थिति हो सकती है। लेकिन फिर मैं किसी ऐसी स्थिति को पा जाना चाहता हूं जब मैं प्रभावित ही नहीं होता हूं, तो इसलिए उसको ये कहा क्षमा की परिभाषा है, अप्रभावित रहना ही क्षमा है। मैं ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को पा जाता हूं जब मैं तमाम तरह की नेगेटिव और तमाम तरह की चीजों से अप्रभावित, वो मुझको छू ही नहीं सकता, मैं उस स्थिति को पाना चाहता हूं, फिर वो उसकी फाइनल स्थिति है। तो कम से कम अभी धीरे से शुरू करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो यदि हम सारे इस पूरे वर्कशॉप में जो केंद्रीय मुद्दा है, जो मूल मुद्दा है, वो यही है कि यदि हम बाई एजुकेशन इंजीनियर बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, तो बाई इंजीनियर हम आदमी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, आदमी बना सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, कि ऐसे ही घायल होते रहेंगे, घायल करते रहेंगे? तो आवश्यकता इस बात की है, यदि मैं इंजीनियरिंग की फाइन डिटेल्स को, मैनेजमेंट की फाइन डिटेल्स को, मेडिकल की फाइन डिटेल्स को, इतनी सूक्ष्म डिटेल को 10-10 साल पढ़ता हूँ, उसकी एक एक फाइन डिटेल तक जाता हूँ, तो मैं उसी तरह से मानव की डिटेल में जा सकता हूँ, ये सोचने की मशीन कहाँ है, ये कैसे काम करती है, इसका एक एक पार्ट किधर है ना? यदि मेरे को वो समझ में आएगा तो फिर मैं उसको भी कन्वे कर सकता हूँ। तो इसी को समझना है कि यदि मेरी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी है तो ये ऐसी कैसे है, और दूसरे की होना है तो उसके लिए क्या करना होगा। बढ़िया, लेकिन ये क्लैरिटी अब कितने लोगों को बन गई कि विश्वास 2 तरीके का होता है। इसको बोला सापेक्ष विश्वास, ये सापेक्ष है, ये हमेशा सापेक्ष है, ये किसी के कंपैरिजन में ही है। आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आपसे अच्छा कोई बना ही सकता है, और जो खाना आपका अच्छा, आपका खाना बहुत अच्छा किसी को पसंद ना आए और दूसरे का खाना पसंद आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो इसमें कोई एब्सोल्यूटनेस नहीं है। एक परफ्यूम किसी को बहुत पसंद आ सकता है, दूसरे को बिल्कुल उससे इरिटेशन हो सकता है। एक कलर किसी को बहुत पसंद है, दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तरह का नैन नक्श किसी को बहुत पसंद है ना, दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिजिकल चीजों के अंदर एब्सोल्यूटनेस नहीं है। एक चीज सबको समान रूप से पसंद आएगी, एक चीज एक ही आदमी को पूरी जिंदगी पसंद आएगी, ऐसा नहीं है। इसलिए ये हमेशा सापेक्ष है, रिलेटिव है, ये निरपेक्ष है, इसमें एब्सोल्यूटनेस है, उसको धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन कम से कम अभी की चर्चा में, हमारे इस सभा में हर एक व्यक्ति को ये कन्वे हो गया कि आदमी के पास 2 तरीके का विश्वास होता है। एक तरीके का विश्वास कौशल के प्रति विश्वास है, दूसरे तरीके का विश्वास स्वयं के प्रति विश्वास है। स्वयं के प्रति विश्वास भाव और विचार की क्वालिटी है, तो मेरे भाव और विचार की क्वालिटी ही मेरे सुख दुख का कारण है।
भाव के विचार, भाव और विचार 24/7 है। सोते समय भी किसी ने धोखा दे दिया तो पसीना छूट जाता है ना, और नींद खुल के देखते हैं चलो ठीक ठाक है, सपना था, कोई खास बात नहीं है ना, लेकिन आपको फीलिंग तो वही आती है। तो भाव और विचार की दुनिया 24/7 है। मेरे भाव और विचार की दुनिया, मेरे भाव और विचार की दुनिया, मेरा स्वयं के प्रति विश्वास, इसका क्या मतलब है? मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदाई है, मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदाई है, और ये सभी के लिए सुखदाई है। मेरा भाव और विचार सभी के लिए सुखदाई है, ये हमेशा मेरे लिए सुखदाई है ना? इसका नाम सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ये एब्सोल्यूट है, ये किसी से प्रभावित ना होने, इस स्टेट ऑफ माइंड को पा जाना, अपने में स्थिति को पा जाना है ना, अपने में स्थिति को पा जाना, ये रियल हैप्पीनेस है, ये सही अर्थों में सुख है ना। मैं ऐसी किसी स्थिति को पाना चाहता हूँ, इसका नाम स्वयं के प्रति विश्वास है। सर मेरा नाम अर्चना है, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने समझाया किसी की अयोग्यता से प्रभावित होना, तो ना होना, ना होना, तो अगर कि कोई है जो रोज मार रहा है, या वो दिल्ली में जैसा आपने बताया कि क्राइम हो रहा है, और माएँ अपनी बच्चियों को आज सेफ नहीं फील करती हैं, तो क्राइम में फर्क होता है, तो किस हद तक के क्राइम को माफ कर देना चाहिए? माफ करने के लिए मैं बोल ही ना रहा हूँ, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि प्रभावित ना होने का मतलब ही है कि उसको वो हो ही ना, उस स्थिति में उसको पहुंचाना है ना। कोई मारता रहे, हम अत्याचार सहते रहे, इसका मतलब प्रभावित ना होना नहीं हुआ, ठीक है, वो ठीक नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि वो प्रॉब्लम ही, मेरे पास उस प्रॉब्लम का समाधान है कि वो कैस, मेरे पास उस प्रॉब्लम की रूट पता है कि ये रूट कहाँ आ कहाँ से रहा है। कोई जो प्रॉब्लम की जितनी बड़ी रूट है फिर उतना बड़ा एफर्ट है, एक दिन में ठीक नहीं होगा, लेकिन पता है कि इसकी रूट कहाँ पे है, कैसे ठीक होगा, तो फिर वैसे ठीक करेंगे, तब तक उसके लिए ध्यान रखेंगे। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि कल से फौज हटा दो, तो जो फौज जैसी रखनी है वैसी रखो, पर समझने का काम भी विश्व में बहुत स्पीड के साथ किया जाए, बहुत तेजी के साथ किया जाए, ताकि धीरे धीरे उसकी आवश्यकता कम हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे भाव और विचार पे मेरा नियंत्रण आ जाए। मेरा विचार, मेरे भाव और विचार कैसे हों? हमेशा मेरे लिए सुखदाई हों कि दुखदाई हों? मेरे विचार सुखदाई हों, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी आपको बार बार दुखदाई विचार आते हैं? कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, ना चाहते हुए भी आपको दुखी करने वाले विचार बार बार आते हैं, हाथ उठाइए। ये किसकी मर्जी से आते हैं? आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? नहीं चाहते हैं, है ना। इसका मतलब है कि मेरा मुझ पे नियंत्रण नहीं है, मेरे को मेरी गाड़ी चलाने नहीं आती, और गाड़ी कभी भी किसी से जाके टकरा जाती है, तो मेरे को जिंदगी की गाड़ी चलाने नहीं आती है ना, पर मुझको कार चलानी तो आती है। तो यदि मुझको कार चलानी आ गई, अच्छी बात है, तो जिंदगी की गाड़ी भी, कार की स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, विचार की स्पीड कितनी है, अनलिमिटेड। तो एक अनलिमिटेड स्पीड वाली गाड़ी है, इस गाड़ी को चलाना मुझको नहीं आता, इसका इतना ही मतलब है कि भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, अपनों से दुख पाना, अपनों को दुख देना, बहुत मेहनत करके संसार को नर्क बनाना, हम बहुत मेहनती लोग, हमने मेहनत करके अपनों से दूरियां बनाई। तो ये तो बात ठीक है कि समझना सबको होगा। एक आदमी के देखो, पहले ये बोलते थे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी कोई आएगा। अभी जमाना बदल गया है, अभी एक महापुरुष से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है, हर घर में एक होगा तो भी नहीं चलने वाला है। अब सभी को महापुरुष बनना होगा, सभी महापुरुष बन जाएंगे तो नॉर्मल पुरुष हो जाएगा। ये पुरुष नॉर्मल नहीं है, इसलिए बार बार महा महा करना पड़ता है। तो अच्छी बात यह है कि हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु है, वो जिंदगी समझना ही चाहता है। हमको जिंदगी की समझ नहीं है तो हम उसको गोरा काले का फर्क दे दिए, हिंदू मुस्लिम का धर्म दे दिए, और तमाम तरह की नेगेटिव, हमने
बहुत मेहनत करके, देखो हम आशीर्वाद देते हैं अपने बच्चों को, सदा सुखी रहो, देते, पर सच्चाई ये है, सूत्र ये कहता है, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। कंफ्यूज्ड आदमी कंफ्यूजन बांटेगा। तो हम माँ बाप के पास जिंदगी नहीं थी, हमने बच्चों को अधूरी जिंदगी दे दी, और सच्चाई ये है कि हमने आशीर्वाद दिया, बेटा हम भी दुखी रहे, तुम भी दुखी रहना, और ये आशीर्वाद फलता है, हर पीढ़ी के साथ ये आशीर्वाद फलता गया। तो आवश्यकता इस बात की है कि एक बच्चा जन्म से जिज्ञासु है, वो समझना ही चाहता है, वो जिंदगी को समझना चाहता है, जब वो जिंदगी को समझना ही चाहता है उस समय हम उसके साथ जिंदगी दे सके। अभी रायपुर में कुछ पेरेंट्स के साथ में मीटिंग चल रही थी, तो पेरेंट्स बड़े सीरियस थे कि हम अपने बच्चों को क्या दें और अपने बच्चों के साथ कैसे जिएं। मैं चलो एक बोर्ड पे लिख लेते हैं कि हम अपने बच्चों में क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। तो बोर्ड पे एक टेबल बनाई गई, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। जब बोर्ड भर गया तो जितने अब तक के जितने अवतारी पुरुषों के जितने गुण हो सकते थे सारे माँ बाप अपने बच्चों में वो देखना चाहते। तो मैंने कहा बस एक ही काम करना है, ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, जितने गुण आपने बोर्ड पे लिखवाए हैं उतने गुणों के साथ आप जी लो, आपको देख के आपका बच्चा ऐसा जी लेगा, इतना ही तो करना है। तुम चोरी करो, बच्चे से ईमानदारी की अपेक्षा करो, तुम बैठ के दूसरे भाई की और दूसरों की चुगली करो, उससे तुम चाहो कि ये श्रेष्ठ बन जाए, तुम धर्म और जाति के आधार पे, पैसे और उसके आधार पे, रंग के आधार पे भेद करो, उससे चाहो कि वो कुछ बेहतर हो जाए, ये नहीं होगा। तो एक माँ बाप की अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है कि उसके माँ बाप और उसका वातावरण एक सही आचरण के साथ जीते हुए उसको दिखाई दे जाए। बच्चे में तो कोई कमी नहीं है, जो उसको जीता हुआ दिखाई दिया उसने उसको ले लिया। आप गुजराती बोलते थे उसने गुजराती ले लिया, आप खाना खाते थे उसने खाना खाना सीख लिया, मकान बनाते थे मकान सीख लिया, कंप्यूटर मोबाइल ऑपरेट करते थे वो सीख लिया, है ना। संबंध पूर्वक हम नहीं जीते थे वो उसको नहीं आया। तो मेरे भाव और विचार पे मेरा नियंत्रण हो, मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुख। आपका भाव सही हो इसके लिए भाजपा ने कांग्रेस ने मना किया, इसके लिए हमारे संविधान ने मना किया, इसके लिए किसी धर्म ने मना किया? तो हमारे भाई भाई में बंटवारा होता है इसको किसी ने, ये तो हमारी प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि मेरे भाव और विचार सही हो ये मेरा काम है, ये किसी दूसरे का काम नहीं है। तो मेरा भाव और विचार सही हो, मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदाई हो, तो मैं अपना भाव और विचार सुखदाई बना सकूं, आने वाली पीढ़ी को उसके भाव और विचार के साथ में वो उसका भाव और विचार सुखदाई कैसे हो। यदि मैं इंजीनियर था तो इंजीनियर बना दिया, भाव और विचार समझ में आ जाएगा तो इसको बना दूंगा, क्या दिक्कत है। तो अब ये क्लैरिटी बन गई कि स्किल और कौशल के प्रति विश्वास एक अलग चीज है। जब मेरे को वो काम करना होता है तो मेरा वो कॉन्फिडेंस बना रहता है, भाई अभी अभी कार चला के कहीं जाना है तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ मैं ले जाऊँगा। लेकिन कार चलाते समय भी यदि कोई भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता अपने अंदर बना हुआ है तो उसका प्रभाव रहेगा कि नहीं रहेगा। 10 साल पहले सास ने ऐसा बोला था और मेरा अपमान कर दिया था, या मेरे पिता ने ऐसा बोल दिया था, या पार्टनर ने ऐसा बोला था, है ना, तो याद रहता है कि नहीं रहता है? वो याद रहता है। तो कार मैं अच्छी चला रहा हूं लेकिन मेरी मानसिक स्थिति पे उसका प्रभाव मेरे साथ बना हुआ है। तो अच्छी स्किल होने के बावजूद, स्किल से जो अच्छा होना था हो गया, मैं दूसरे के घर पहुंच गया, मैं अपने घर पहुंच गया, लेकिन मेरा स्टेट ऑफ माइंड लगातार उसी विचार के साथ चल रहा है ना, उसी चिंता के साथ बना हुआ है ये। तो इसको मैं, इसमें मेरे को कार चलाना बहुत अच्छा आता है इसलिए मेरा मन शांत रहेगा, ऐसा नहीं है। इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो स्टेट ऑफ माइंड कोई अलग चीज है, ऐसा हम क्लियरली पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे चले तो एक बात पता चला कि स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है एक आदमी जिसके पास समाधान है तो ये आदमी कैसा होगा, शिकायत के साथ होगा कि शिकायत से मुक्त होगा? ये शिकायत से मुक्त होगा क्योंकि इसके पास समझ है, समाधान है, तो ये शिकायत मुक्त होगा।
ये शिकायत मुक्त मानव है, ये प्यार से भरा हुआ मानव है, जिम्मेदारी से भरा हुआ मानव है, ये दूसरों की जिंदगी में दूसरों को है ना कुछ देने के कुछ देने की जगह में आ गया है, तो ये शिकायत मुक्त मानव है, ऐसा हमने कहा। अब ये समझ में आ गया कि मेरा खुश रहना मेरी जरूरत है, मेरा खुश मुझको खुश रहना आता है, मैं अपने में ये कहने की स्थिति में आ जाऊं कि मुझको खुश रहना आता है, ठीक, मुझको खुशी क्या है ये पता है, मेरे भाव और विचार पे मेरा नियंत्रण है ना, मेरे पास ऐसा कोई भाव और विचार नहीं आएगा जिससे मैं अनावश्यक दुखी होता हूं, तो ऐसा यदि ऐसा है तो फिर ऐसा मैं दूसरों को होने में सहयोग दे सकता हूं कि नहीं। इसका मतलब है यदि स्वयं के प्रति विश्वास होगा तो उसका मैनिफेस्टेशन संबंध के प्रति विश्वास के रूप में दिखाई देगा। तो संबंध के प्रति विश्वास का मतलब है शिकायत मुक्त संबंध। बढ़िया, तो एक बात समझ में आ गई कि जिसकी अपने से बात हो गई उसकी अपनों से बात हो जाती है। यदि अपनों से बात नहीं हो रही है इसका मतलब है कि अपने से बात करना नहीं आता है, खुद से बात करना नहीं आता है। शरीर से अभी हमारे पास जो भाषा है वो शरीर की भाषा है, चाहे वो गुजराती है, चाहे वो हिंदी है ना, चाहे वो इंग्लिश है, हम शरीर के बारे कोई बात कर पाते हैं। सही अर्थों में देखें तो मानव होने के रूप में अपने भाव के रूप में ये बात एक दूसरे के साथ हम कर पाए होते। भाई शरीर मकान के बारे बात ठीक से करनी आती है तो मकान कितने बढ़िया है, गाड़ी के बारे बात करनी आती है तो फिजिकल चीज़ों के बारे में हमारा ज्ञान है इसलिए वो प्रमाण के रूप में उपलब्ध है। मानव के बारे हमारे ज्ञान में कमी है इसलिए खुद भी उम्र बढ़ने के बाद साथ साथ और उपलब्धियों के बावजूद किसी शिकायत के साथ हैं। संबंधों की स्थितियां देखें तो और प्रॉब्लमेटिक है, और जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई संबंध में जीने का विश्वास बढ़ता गया कि घटता गया, ये और मुश्किल आ गया। हमने सोचा था कि पढ़ने लिखने के बाद स्थितियां और अच्छी हो जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई वैसे वैसे आदमी के साथ जीने का विश्वास और घटा है, ये भी स्थिति हमारे सामने है। यदि ये स्थिति आ गई तो इसका मैनिफेस्टेशन एक समृद्ध परिवार के रूप में, समृद्ध परिवार का मतलब है अभाव मुक्त परिवार। तो दूसरे परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाएं, ये एक भय मुक्त समाज का आधार है, ये एक भय मुक्त समाज का आधार है। सभी परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाएं, देश के सभी परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाएं, इसका नाम व्यवस्था है। इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं, कुल काम इतना है। तो ये हमने बात की जीने को लेके, हमने जीने की शुरुआत एक व्यक्ति से देखी, जीने का फैलाव परिवार के रूप में देखा, परिवार का फैलाव दूसरे परिवारों के साथ देखा, और व्यवस्था के रूप में सभी परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त होके जी सकें, है ना, समाधान और समृद्धि के साथ में जी सकें, समझ के साथ जी सकें, अपने मानव होने को फील कर सकें, अपनी उपयोगिता को फील कर सकें, अपनी उपयोगिता की खुशी मना सकें, है ना, ये मानव के जीने का फैलाव है।